इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दतिया शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए शपथ ली। विश्व में बढ़ते महिलाओं के प्रति अत्याचारों और असमानताओं जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं अशिक्षा को देखते हुए और उन्हें इन सभी समस्याओं से उबारने के लिए तथा उनके संरक्षण के उद्देश्य से हर साल बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे को एक विषय के साथ मनाया जाता है और यह थीम महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी होती है और उन्हें सशक्त बनाने का काम करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारे भविष्य है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दतिया के सदस्यों द्वारा यह प्रतिज्ञा ली गई कि शासन की मनसानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सभी चिकित्सकगण स्वस्थ बालिका, स्वस्थ महिला, स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करेंगे। IMA अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता यादव ने बताया कि वर्तमान में भारत के लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, इसीलिए शासन द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं उनके अनुपात में वृद्धि हो। इसी के तहत IMA दतिया द्वारा इस कार्य को बढ़ाने के लिए मिशन पिंक हेल्थ अभियान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी शासकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार जाँचें कर निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु जागरूक किया जाएगा। इस दौरान IMA अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता यादव, डॉक्टर सचिन यादव, डॉक्टर KM वरुण संयुक्त सचिव, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल कोषाध्यक्ष, डॉक्टर KP बरेठिया शिशु रोग विभाग अध्यक्ष, डॉक्टर राजेश गुप्ता वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय एवं दिनेश गुप्ता मनोरोग विभाग अध्यक्ष, डॉक्टर कपिल देव आर्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हेमंजन आदि मौजूद रहे। आज 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दतिया शाखा के सदस्यों एवं नर्सिंग स्टाफ के द्वारा बालिकाओं के भविष्य के लिए प्रतिज्ञा ली गई कि वह जो इस वर्ष की थीम है आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आवर फ्यूचर, यानी कि अब हमारा समय है, बालिकाओं का समय है और हमारा अधिकार और हमारे भविष्य का है, इसके लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करेंगे और शासन की मंशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सभी चिकित्सकगण स्वस्थ बालिका, स्वस्थ महिला एवं स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए समर्पित होकर कार्य करें।